नागपुर में कोरोना से पहली मौत होने से प्रशासन सतर्क हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिवारों को क्वारंटाइन के आदेश दिए गए। अब उन लोगों को भी जांच की जाएगी जो मृतक के अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। इस कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। व्यक्ति की मौत रविवार को हुई थी, किंतु तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। सोमवार को रिपोर्ट आने के बाद यह कन्फर्म हुआ कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मृतक उसके परिवार और उस डॉक्टर की लापरवाही है, जिन्होंने मामूली सर्दी खांसी होने पर इसे हल्के में लिया और बिना किसी सतर्कता के मामूली मेडिसिन ले ली। मुंडे ने कहा कि फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। उन्होंने कहा कि मृतक के संपर्क में आए सभी लोगों के साथ डॉक्टर और दो सहकर्मी को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। आणि त्यामुळे माझी विनंती आहे की असे अजूनही कोणी सिम्प्टोमॅटिक पेशंट असतील ते नागपूर महानगरपालिकेच्या कंट्रोलला कळवावेत किंवा आमच्या डायरेक्टली हॉस्पिटलमध्ये येऊन सांगावं, जेणेकरून आपल्यावरती ट्रीटमेंट करता येईल। शेवटच्या मोमेंटला जर आपण आलात तर ट्रीटमेंट करणं शक्य होत नाही। काल जी अनफॉर्च्युनेटली डेथ झालेली ती शेवटच्या मोमेंटला, म्हणजे 4 तारखेला रात्री 12 वाजता स्वतःहून ॲडमिट झाले। ॲक्च्युअली त्यांना फीवर 1 तारखेचा होता असं निदर्शनास आलेलं होतं, तर त्यांनी 1 तारखेला जर आम्हाला कळवलं असतं की हॉस्पिटलमध्ये आले असते तर ती वेळ कदाचित आली नसतो। पण माझी अशी विनंती आहे की आपल्याला असे जर काही सिमटम आढळले तर निश्चितपणे हे सिमटम आम्हाला कळवा, आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचू, किंवा आपण इमिजिएटली GMC किंवा IGMC हॉस्पिटलला जावं, जेणेकरून आपल्यावरती ट्रीटमेंट करता येऊ शकेल। तर असे जे जे काही आता ज्या ठिकाणी पेशंट असतील, जिथं कंजेस्टेड एरिया असेल, जिथं आम्हाला वाटतंय की इथं प्रसार होऊ शकतो, त्या ठिकाणी 2 एरिया आपण सील केलेले आहेत। असे पुढे जर आले तर आम्हाला पुढे पण ही कारवाई करावी लागेल। म्हणून परत नागरिकांना माझी विनंती आहे की आपल्यामध्ये कोणी आजूबाजूला सिम्प्टोमॅटिक पर्सन्स असतील त्यांची नावं कळवा, त्यांचा फोन नंबर कळवा, स्वतःहून सांगा, जेणेकरून त्यांच्यापर्यंत प्रोएक्टिव्हली आम्हाला पोहोचता येईल आणि त्यांच्यावरती आपला प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आणि ट्रीटमेंट घेता येईल। और मामूली सर्दी खांसी हो या बुखार, तुरंत मनपा के निरीक्षण केंद्र में संपर्क करें ताकि इस महामारी के प्रकोप को फैलने से रोका जा सके। अपनी जिम्मेदारी को समझें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ NBCN से दीपिका धनेश्वर।